हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम डोगरा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैकलिंक्स इन SEO। ठीक है, तो इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, लाइक व्हाट आर द बैकलिंक्स, व्हाई बैकलिंक्स आर इम्पोर्टेंट इन SEO, एंड विच टाइप ऑफ बैकलिंक्स यू शुड क्रिएट फॉर योर वेबसाइट, एंड विच फैक्टर यू कैन कंसिडर फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक्स, एंड विच टूल यू कैन यूज़ फॉर बैकलिंक क्रिएशन। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर द बैकलिंक्स। ठीक है, तो बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स आर द लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अ पेज और अनदर वेबसाइट। अब बैकलिंक्स इन द सिंपल वे अ लिंक फ्रॉम अ वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। इसमें मैंने दो स्क्रीनशॉट ऐड करे हुए हैं, जिसमें एक अदर वेबसाइट है, एक योर वेबसाइट है, जिसमें अदर वेबसाइट में एक लिंक लगा है हमारी वेबसाइट का, जो कि हमारी वेबसाइट को रेफर कर रहा है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो अदर वेबसाइट है उससे हमें लिंक मिला हुआ है हमारी वेबसाइट के लिए। इसमें दूसरा स्क्रीनशॉट फॉर्ब्स का है, जिसमें बैक लिंकों के ऊपर हमने लिंक्स लगाया हुआ है। तो जब भी यूज़र बैक लिंकों के ऊपर क्लिक करेगा, वो बैक लिंकों की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि लाइक कि बैक लिंकों एक साइट है जिसको फॉर्ब्स साइट से बैक लिंक मिला हुआ है। देन नेक्स्ट वन, व्हाई बैक लिंक्स आर इम्पोर्टेंट इन SEO। तो इसके हमारे पास कई फैक्टर हैं कि बैकलिंक्स हमारे वेबसाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें थ्री मेजर थिंग्स होती हैं जिनके लिए बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रैंकिंग। किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कवरेबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज़ रेफरल ट्रैफिक। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक्स आर वैल्यूएबल। अब बैकलिंक्स तो हम बना रहे हैं, बट हमें किस टाइप के बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए बनाने चाहिए, कौन से क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं कि किस किस टाइप के फैक्टर हैं जो बैकलिंक क्रिएशन के टाइम हमें माइंड में रखने होते हैं। तो इसमें से पहला है क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी साइट। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होते हैं लाइक कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। तो हमें हमेशा ट्राई करनी है कि 40+ DA वेबसाइट को ही हम यूज़ करें बैकलिंक क्रिएशन के लिए। देन नेक्स्ट वन इज मस्ट इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड इन द लिंक एंकर टेक्स्ट। जिस भी वेबसाइट पे आप अपना बैकलिंक क्रिएट करने जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी वेबसाइट का हाइपरलिंक वहाँ पे डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि अगर आप हाइपरलिंक नहीं लगाओगे तो वो वाला बैकलिंक किसी भी काम का नहीं होगा और कोई भी आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एंड द थर्ड वन इज़ लिंकिंग टू यू इज़ टॉपिकली रिलेटेड टू योर साइट। हम क्या करते हैं, जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो हम कोई भी वेबसाइट उठा के बना लेते हैं जो अच्छी DAPA वाली होती है, बट हमें हमेशा ट्राई करनी है कि जो हमारी वेबसाइट की कैटेगरी है, जो हमारी नीचे है, हमें उसी से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाना है। ठीक है, सपोज़ आपकी वेबसाइट कोई सर्विस देने वाली वेबसाइट है, आप कोई हाउस क्लीनिंग की सर्विस देते हो, एंड जो आप बैकलिंक्स बना रहे हो वो ई कॉमर्स की साइट है, तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एंड द नेक्स्ट वन इज द लिंक इज़ अ डू फॉलो लिंक। अब जो बैकलिंक्स होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स के होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। तो हमें हमेशा ट्राई करनी है कि हम डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नो फॉलो बैकलिंक्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द लिंक इज फ्रॉम अ डोमेन दैट हैज़न्ट लिंक टू यू बिफोर। हमेशा ट्राई करनी है कि जो भी हम बैकलिंक्स बनाने जा रहे हैं वो एक यूनिक डोमेन से हो। ठीक है, यूनिक डोमेन मतलब कि उस वेबसाइट पे आप बैकलिंक बनाओ जिससे आपको पहले बैकलिंक्स नहीं मिला हो, क्योंकि अगर आप सेम ही वेबसाइट से मल्टीपल टाइम बैकलिंक्स लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज विच टूल टू बी यूज टू एनालाइज द बैकलिंक्स। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो बैकलिंक्स को एनालाइज करने के लिए, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल मेंशन करे हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कि फर्स्ट वन HREF, ये हमारा पेड टूल होता है। इसको आप गूगल में सर्च करोगे या आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा टूल है, इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैकलिंक्स के रिगार्डिंग। एंड द सेकेंड वन इज़ सैमरश। सैमरश इज़ ऑल्सो पेड टूल, बट आप इसमें एक ट्रायल बेस्ड अकाउंट बना सकते हो अपनी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, बैकलिंक्स को चेक करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज लिंकोडी, ये भी हमारा एक तीसरा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बैकलिंक्स को चेक करने के लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था बैकलिंक्स के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू।